छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि पहले जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 10,000 पदों पर जो है भर्ती निकला था, लेकिन 10,000 वैकेंसीज बढ़कर जो है आपका 12,000 हो गए। और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसका जो है स्वयं ऐलान किया था। पहले जो है 10,000 वैकेंसीज था और ये बढ़कर अब जो है 12,000 हो गया है। टोटल 12,000 पदों पर जो है आप लोगों के लिए शिक्षक का वैकेंसीज निकला है। तो अब आप लोगों के पास जो है बहुत ही अच्छा चांस है कि आप जो है एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि पहले 10,000 वैकेंसीज था, अब 12,000 वैकेंसीज है। ऐसे में आप लोगों का सिलेक्शन होने का चांस जो है बढ़ जाता है। पहले आप ऐसे हर एक स्टूडेंट सोचते थे कि कब जो है शिक्षक का भर्ती जो 10,000 वैकेंसीज है उसमें जो है बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो। तो फाइनली जो है आप सभी लोगों को जो सोच था वो अच्छा साबित हुआ और 10,000 वैकेंसीज था वो 12,000 हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले तो आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होना अनिवार्य है। और टेट एग्ज़ाम से आपका जो है 18 सितंबर को आयोजित होगा। तो 20 दिनों का टाइम ही है आप लोगों के पास एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। तो इस 20 दिनों में आप जो है इतने अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सके। फिर आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे और 12,000 वैकेंसीज में से आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा, जैसे सीजी टेट के बारे में आपको पता है कि 18 सितंबर को एग्ज़ाम्स होगा, उसके तुरंत बाद ही आपका जो है छत्तीसगढ़ में टीचर का जो 12,000 वैकेंसीज है उसका होगा। तुरंत तुरंत आपका जो है एग्ज़ाम्स 18 सितंबर को होगा। उसके बाद एक सप्ताह 15 दिनों में आपका कट ऑफ मार्क्स और रिजल्ट जो है चयन सूची पूरा जारी हो जाएगा। और अक्टूबर के बात करें तो आपका 10 से 15 अक्टूबर को जो है आपका टीचर भर्ती का एग्ज़ाम जो है शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जो है बहुत ही लिमिटेड कम समय है, तो इन कम समय में आप जो है बहुत अच्छे से किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। और इसके लिए आपका जो है भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है। तो आपको एग्ज़ाम्स की जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन करना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर जो बनने का आपका सपना है, आप टीचर जो है टीचर भर्ती एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके आप जो है टीचर बन जाए, तो आप जो है एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं जिससे आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए। इस वीडियो में आप सभी को मैं पूरा कम्प्लीटली डिटेल्स बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपके जो है सिलेबस रहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर जो है आपको सॉल्व करना है, हर एक डिटेल्स इस एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोगों को मैं पूरा कम्प्लीटली सिलेबस बताऊंगा जिससे आप लोगों के हर एक प्रॉब्लम्स जो है डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि सिलेबस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों का, गणित और विज्ञान से 30 अंकों का, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का, कंप्यूटर से जो है 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 अंकों का। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी वचन काल वाक्य संधि संधि के प्रकार संधि विच्छेद तत्सम तद्भव देशज पर्यायवाची शब्द उपसर्ग प्रत्यय समास और उसके भेद अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द संज्ञा संज्ञा के प्रकार सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक वाक्य भेद रचना मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ अपठित गद्यांश श्रवण वाचन लेखन एवं पठन कौशल इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाए। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आएगा जिसमें आपका नाउन प्रोनाउन टेंस वाइस नरेशन कंजक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल डिग्री क्वेश्चन टैग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब प्रेसिस राइटिंग ये सभी आपके जो इंग्लिश ग्रामर में जो है पूछे जाते हैं।
वही यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, ये सभी जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंगणित लेना है, जिससे आपकी मैथ्स की तैयारी अच्छे से हो पाए। और रीजनिंग के लिए आपको जो है जो लॉजिक वाला रहता है उसके लिए अरिहंत का लेना है मास्टर रीजनिंग, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारियाँ आपका दिया रहता है। विज्ञान की बात करें साइंस की, जिसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुण, धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जैसे जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, तो साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आपको दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लेना है, जिससे आपके साइंस के प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। सामाजिक अध्ययन में आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य ये आएगा। और कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी की जानकारी, ये सभी जो है कंप्यूटर से जानकारी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसके लिए सीजी सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले आपको कंपटीशन एकेडमी छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आपको लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोज़ जो है मिलते जाएंगे। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। सो थैंक यू आप सभी लोगों का इसी तरह से वीडियोस, और अपना प्यार सपोर्ट बना रखें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय।